खानजादी और अभिषेक क्लोज क्या हो गए? जल रही है अब ईशा की। वैसे बिग बॉस ने जो है बहुत सही गेम खेली है। बिग बॉस जो चाहते थे वो चीज हो रही है। मैंने आप लोगों को बताया था ना कि भी ये मानसी जो भी है, जो वाइल्ड कार्ड आई हैं, ठीक है, वो उनको इसलिए लाया गया है कि इधर ब्रेकअप होगा अभिषेक का, उधर अभिषेक जो है इस बंदी के साथ लग जाएगा, ईशा होगी जेलस और समर्थ आ जाएगा। तब ईशा जब फिर पीछे पीछे भागेगी, तब फिर फ्लैक्चुएट उसका माइंड होगा, तो वो बहुत इंटरेस्टिंग मसालेदार एक गेम बनेगी, एक कंटेंट जो है वो मिलेगा बिग बॉस को। इस तरीके से जो है बिग बॉस ने सोचा, पर अब तो कुछ और ही चीज़ हो रही है। अब ईशा तो बड़ी चिट चैट कर रही है, बड़ी पप्पियाँ छप्पियाँ हो रही हैं समर्थ और इसके बीच में, पर ये बंदी देख नहीं सकती कि अभिषेक जो है अपने दुख का इलाज कर रहे हैं। सबसे ज्यादा दुखी जो है वो अभिषेक है, और अभिषेक के साथ पूरा घर, क्या घर के बाहर भी बहुत सारी दुनिया जो है वो एक हुई हुई है अभिषेक के लिए, और अभिषेक को बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है। और अभिषेक जो है अपने दर्द को भुलाने के लिए कभी किसी और के साथ बात करते हैं। अभी खानजादी के साथ काफी ज्यादा क्लोज हो रहे हैं अभिषेक, पहले भी खानजादी के साथ क्लोज थे, अभी अभी और भी ज्यादा क्लोज हो रहे हैं। भाग रहे हैं खानजादी के पीछे, मस्ती कर रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है। इस चीज से जो है दूर बैठी हुई चिढ़ती हुई नजर आ रही है ईशा। खुद तो समर्थ के साथ पप्पियां कर रही है, पर वो कैसे खुश हो रहा है, वो कैसे दूसरी लड़की के पीछे जा रहा है, इस तरीके का जो जेलस जो है ना वो ईशा के फेस पे दिखने के लिए बखूबी मिल रहा है। मतलब कि तुम 10 लड़कों को पटा लो, 10 लड़के तुम्हें प्यार करे, पर एक लड़का जो एक्चुअली में तुम्हें प्यार करता है इतना ज्यादा, उस लड़के को तुम खुश भी देखना नहीं चाहती हो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत, नमस्कार।